नाग पंचमी हो चाहे श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की, चाहे कृष्ण पक्ष की पंचमी हो, और समझ लो अच्छे से, श्रावण महीने की पंचमी के दिन देव अधिदेव महादेव पर चढ़ाई गई शमी पत्र आस्तिक मुनि का नाम लेकर। कौन से मुनि? आस्तिक मुनि का नाम लेकर शमी पत्र को वापस उठाकर उसको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक ओर रख देने पर घर के अंदर बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करता। ध्यान रखिए, सर्प प्रवेश नहीं करे। शमी पत्र समर्पित करने पे, उस शमी पत्र को आस्तिक मुनि का स्मरण करने, कौन से मुनि है? आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर भीतर घर के अंदर बगीचे में सर्प भी प्रवेश नहीं। उस शमी पत्र में जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली और देव, ये पांचों कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और वो कन्याएं हमारे घर के द्वार की रक्षा करती है। तुम्हारे घर की बहन बेटी क्या करती है? तुम्हारे घर की बहन बेटियां क्या करती हैं? घर में बहन बेटी आती हैं तो बद्दुआ लेकर नहीं जाती। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।